हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश थर अनलिमिटेड स्टडीजोन युवराज बैच में आप सभी का स्वागत है और क्रॉसवर्ड पज़ल का लेक्चर नंबर टू लेक्चर वन में हमने काफ़ी सारी पजल करी थी अब लेक्चर नंबर टू लेक्चर थ्री <laughs> स्टार्ट कर दिया हमने सॉरी लेक्चर थ्री है युवराज ने अभी भी बताया ओके okay, सो so देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है इसमें हमें रॉक्स यानी कि पहाड़ चट्टाने मिनरल्स मतलब ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले कुछ स्पेशल मिनरल्स क्या बोले जाएँ मिनरल्स तो मिनरल्स ही होते हैं एंड सॉइल यानी कि मिट्टी के बारे में हमें पता करना है ओके ओके सो मिनरल्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लो आप बेटा मिनरल्स जो होता है ना वो होता है एलिमेंट क्या होते हैं मिनरल्स एलिमेंट जैसे हर जमीन होती है उस जमीन उस जमीन के अंदर कुछ रिच ऑफ मिनरल होते हैं वो मिनरल से भरी होती है जैसे किसी जगह पर किसी जगह की ज़मीन पे बहुत सारा मान लो मैग्नीशियम पाया जाता है क्या पाया जाता है मैग्नीशियम वो तो, तो वो जमीन क्या होती है मैग्नीशियम रिच होती है क्या होती है magnesium. जैसे अपने यहाँ की जमीन में क्या पाया जाता? जाता है कैल्शियम क्या पाया जाता है तो अपने यहाँ कौन सा मिनरल मिलता है कैल्शियम क्या मिलता है Calcium. हाँ कैल्शियम अपने यहाँ का मिनरल है और कई जगह का मिनरल मैग्नीशियम होता है ओके कई जगह की जमीन में कुछ अलग मिनरल पाए जाते हैं तो इनको मिनरल बोलते हैं तो मिनरल बेसिकली होते क्या हैं एलिमेंट मिनरल होते क्या हैं एलिमेंट्स Element. होते हैं आइए बात करते हैं ये हमारे पास क्रॉस वर्ड पजल है तो युवराज क्रॉसवर्ड पजल भरेंगे आपके साथ में और हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन ओके देखते हैं वन बाय वन तो कहता है देखिए यहां पे कुछ डायग्राम देख लीजिए आप सबसे पहले ओके okay? ये देखिए ये आपके पास में कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं ये देखो ये जमीन है जमीन का अपर पार्ट है और ये इसके नीचे देखो ये बॉटम पार्ट है ये पत्थर से भरे हुए हैं ओके okay? ये पत्थर से भरे हुए हैं ठीक है ना इसको हम बोलते हैं बेड रॉक क्या बोलते हैं इसको हम बेड रॉक ये जो जगह आपको दिख रही है जहां पे पत्थर जमे हुए हैं ना और पत्थरों का एक तरीके से बेड बन गया तो उसको हम क्या बोलते हैं बेड रॉक ठीक है अच्छा, रॉक का बेड यानी कि बेड रॉक तो पहला है बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल सॉइल की निचली लेयर बॉटम लेयर दैट कंस्टिट्यूट द पेरेंट रॉक दैट कंस्टिट्यूट द रखती मतलब रखती है कंस्टीट्यूट का मतलब रखती है किसको रखती है पेरेंट रॉक को उसको हम क्या बोलते हैं बेड रॉक ओके बी ई डी आर ओ सी के रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रॉक के अंदर क्या क्या होते हैं रॉक के अंदर अलग अलग मिनरल होते हैं कहीं पर आयरन होता है कहीं पर मैग्नीशियम होता है सो रॉक रॉक्स आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल क्या आएगा यहाँ पे मिनरल्स ओके okay. होते एलिमेंट है बट रॉक के केस में मिट्टी के, के केस में उसको एनी एलिमेंट्स नहीं कहा जाता मिनरल कहा जाता है ओके देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल मिनरल क्या है सिलिका सिलिका जो होता है ना वो नॉन मेटेलिक मिनरल है सिलिका क्या है नॉन मेटेलिक मिनरल ठीक है ना मिनरल मिनरल तो अभी मैंने आपको बताया ना ओके okay. देखो जैसे आपके पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की जो मिनरल मिलेगी आपको वो मेटेलिक होगी क्या होगी मेटलिक मतलब कि जिनसे इलेक्ट फ्लो हो जाता है जो साउंड करते हैं जो हैवी होते हैं जो सॉलिड होते हैं उनको हम मिनरल बोलते हैं उनको हम मेटल बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको हम मेटल और नॉन मेटल मतलब जिससे करंट फ्लो नहीं होती है जिनको साउंड क्रिएट नहीं करते हैं जिनको पीट पीट करके आप बड़ा नहीं कर सकते हो जैसे आयरन है आयरन को पीट पीट करके बड़ा कर दोगे तो वो क्या होता है मेटल क्या होता है बट कोयले को ले लो कोयले को पीटोगे तो फूट जाएगा सो कोयला क्या है नॉन मेटल कोयला क्या है नॉन टल एग्जैक्टली गोल्ड मेटल है बिल्कुल गोल्ड मेटल है सिल्वर मेटल है है ना ब्रास मेटल है कॉपर 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 सॉरी ब्रास नहीं मेटल है ओके हाँ ब्रोंज होता है कांसा ब्रोंज कहता है कांसा तो कांसा मेटल नहीं होता कांसा एलॉय होता है क्या होता है एलवाय अब एलवाय क्या होता है एलवाय मतलब अगर आप कई सारे मेटल को मिक्स कर रहे हो कई सारे मेटल को मिक्स कर रहे तो कई सारे मेटल को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनता है जिसको बोलते हैं एलोय एक तरीके से मेटल्स की सब्जी मेटल्स की सब जिसमें कई सारे मेटल्स मिक्स रहते हैं उसको एलआई बोलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ए मेटामोर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड स्टोन इज ओके ए मेटामोर्फिक अमेटामोर्फिक अमेटामोर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड स्टोन इज दैट इज कॉल्ड क्वार्टजाइट क्या बोलते हैं इसको क्वारीजाइट क्वार्टीजाइट अमेटा मोर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंडस्टोन इज कॉल्ड क्वार्टीजाइट तो ये क्वार्टीजाइट कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज आल्सो कॉल्ड मेटामफिक रॉक फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन सैंडस्टोन से बनने वाली एक मेटामोर्फिक रॉक रॉक यानी कि चट्टान टाइप का उसको हम क्वार्टिजाइड बोलते हैं मैं आपको इसको दिखा देता हूँ सैंडस्टोन से बनने वाली जो मेटामोर्फिक रॉक होती है ओके okay, तो ये देखिए क्वार्टीजाइट जो रॉक होती है जिसको हम जिसको हम क्वाटीजाइट रॉक जो होती है वो किससे बनती है सैंडस्टोन सैंडस्टोन एक तरीके का बालू से बना हुआ पत्थर होता है आपने देखे होंगे बड़े दरदरे टाइप के पत्थर जैसे अपने यहाँ जो चीप वगैरह चलती है फरसी वगैरह के टुकड़े आपने देखे होंगे जो स्पेशली रेलवे ट्रैक में देखे होंगे पत्थर जो होते हैं उनमें दाने दाने रहते 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 तो उनसे जो बनती है रॉक उसको बोलते हैं क्वार्टीजाइट रॉक क्या बोलते हैं हाँ, उससे सैंडस्टोन से बनती है वो रॉक क्वाटीजाइट रॉक जो होती है सैंडस्टोन से बनती है ये देखिए सैंडस्टोन की इमेजेस आप ये देखो सैंडस्टोन की इमेजेस ये हैं ये सैंडस्टोन हुआ करता है इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको ये ये सैंडस्टोन हुआ करते हैं इनको हिंदी में बलुआ पत्थर बोलते हैं ओके ये देखिए ये सैंडस्टोन है क्लियर हो गया एक तरीके से कि रेत के जुड़ने से जो बड़े बड़े पत्थर बनते हैं ना रेत के ये इस तरीके के ये सैंडस्टोन है क्या है ये जैसे ये आपको दिख रहा है ये सैंड स्टोन का पत्थर बना हुआ है समझ गए ना हाँ ऐसा टाइप का तो इसको बलुआ पत्थर बोलते हैं और क्वार्टीज रॉक इसी से बनती हैं चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है इस कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ये तो बहुत फेमस है अभी ब्लैक गोल्ड किसका काला सोना क्या कहलाता बताइए देखिए कोल नहीं कहलाता पूरा पेट्रोलियम जो होता है काला सोना होता है दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम कोल एंड पेट्रोलियम ओके ओके चलो एक बार चेक कर लेते हैं कोल भी होता है ओके ओके okay, तो देखिए गूगल भी हमने करके देखा है सो यहाँ पे ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को बोला जाता है ओके okay? क्या है पेट्रोलियम इज़ ब्लैक गोल्ड ओके सो करेक्ट आंसर क्या है पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ओके काला सोना काला सोना तो पेट्रोलियम को बोलिएगा आप इसमें यहाँ पर कोल मत यूज़ करिएगा ब्लैक गोल्ड क्योंकि जो पेट्रोलियम आपको ओरिजिनली मिलता है वो ब्लैक कलर का मिलता है किस कलर का मिलता है ब्लैक कलर का उसको बोलते हैं क्रूड क्या बोलते हैं क्रूड क्या बोलते हैं उसको क्रूड क्र� ये देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ पेट्रोलियम की पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ जिसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं ये देखिए कितने काले कलर का है ये क्रूड ऑयल है और ये ये जो होती है ना ये ए, 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 क्रूड ऑयल को निकालने के लिए जो क, ए, कहना चाहिए क्रूड ऑयल के सेंटर्स होते हैं ठीक ना okay. खदाने कह लो या कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर क्रूड ऑयल निकाला जाता है ओके समझ में आ गया ना इस तरीके से समुंदर के अंदर ये बनी होती हैं एरियाज़ रिफ्रैक्ट्री जो होती हैं वो क्रूड ऑयल को छान करके पेट्रोल में बदलती हैं देखो क्रूड ऑयल जो समुंदर के अंदर से निकलता है बिल्कुल इतना काला निकलता है ऐसा देखने में एकदम देखो कैसा दिख रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर का हुआ करता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ब्लैक डायमंड ब्लैक गोल्ड सॉरी इसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इतना ज़्यादा काला सोचिए आप ये आपकी इंक से भी ज़्यादा काला दिख रहा है कि जिससे आप लिखते हो यस yes कि नो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है और गोल्ड इसलिए क्योंकि ये बहुत महंगा है बहुत ज़्यादा इससे हम लोग की एनर्जी की डिमांड पूरी होती है हमारे देश में जितनी गाड़ियाँ चलती हैं और जितने भी व्हीकल्स चलते हैं और जो भी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं वो ब्लैक गोल्ड का यूज़ करती हैं मतलब कि ये पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं ये देखो ये पेट्रोलियम है ओके क्लियर हो गया ना तो ये जो होती है इसकी ड्रिलिंग हुआ करती है इसको हम लोग क्या करते हैं ड्रिल करते हैं फिर इसके बाद ये अलग अलग जगहों पर क्रूड ऑयल को निकाला जाता है क्लियर हो गया ना इंडिया में एक जगह है जिस जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसका नाम है बॉम्बे हाई क्या नाम है बॉम्बे हाई ये मुंबई के पास में बनाया गया है ओके इसे बोलते हैं बॉम्बे हाई और और भी जगह हैं एक जगह का नाम है कावेरी बेसिन क्या नाम है हाँ तो कावेरी बेसिन में भी इंडिया में ऑयल निकलता है बट इंडिया में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता है कि हम लोग अपनी डिमांड पूरी कर सकें समझ में आए ना हाँ इसलिए इंडिया जो है अलग अलग कंट्रीज से खासकर इंडिया जो ऑयल ख़रीदता है वो इराक से खरीदता है किससे खरीदता है हाँ तो इराक ई ईरान से कुछ कंट्री हैं वो लोग ऑयल बेचती हैं तो इंडिया जो है इन कंट्री से ऑयल ख़रीदता है इसके अलावा जो अमेरिका है वो भी ऑयल बेचता है ओके ये जो पेट्रोलियम ऑयल है ये भी अमेरिका भी बेचता है क्लियर हो गया चलिए आते हैं क्वेश्चन में वापस क्वेश्चन देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है डाउन में चलेंगे अब डाउन में क्वेश्चन नंबर वन ये क्रॉस वर्ड चल रही है क्रॉसवर्ड नंबर ट्वेल्व चल रही है डाउन में देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है फॉलोइंग क्या है इज मेड फ्रॉम द कम्पैक्ट क्ले कम्पैक्ट क्ले से क्या बना होता है कॉम्पैक्ट क्ले जो होती है उससे क्या बना होता है तो इससे क्या बनी होती है? शेल इससे क्या बनी होती है एस एच ए एल ई जो शेल हुआ करती है वो कॉम्पैक्ट क्ले से बनी होती है ओके okay, ये देखिए ये शेल है आपके पास में ओके okay, ये कंपैक्ट uh, जो बताया मैंने अभी आपके जिस क्वेश्चन में कम्पैक्ड क्ले से बनी होती है इज मेड फ्रॉम कम्पैक्ट क्ले ये आपके सामने देखिए शेल दिख रही है यहाँ पे भी ओके ये कम्पैक्ट हाँ ये है शेल ये क्या है बेटा ये शेल दिख रही है तो कम्पैक्ट क्ले से ये बनी हुआ करती है इस तरीके से थोड़े इसमें पैटर्न्स टाइप के बने होते हैं देखिए ऊपर के बाद थोड़ा नीचे हिस्सा फिर और कटी होती है फिर और कटी होती है एक इसमें पैटर्न टाइप का आपको मिला करता है समझ गए ना इसको बोलते हैं कंपैक्ट क्ले मेड आउट ऑफ मेड अप ऑफ स्ले शेल तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन तो शेल किससे बनती है कम्पैक्ट क्ले से एस एच ए एल ई ओके शेल चलिए अगला द क्या जाना इज नोन एज नेचुरल ग्लास विच इज नोन एज नेचुरल ग्लास ओके ऑप ऑपसीडियन ऑप्सीडियन ओ बी एस आई डी आई ए एन ऑप्सीडियन जो होता है वो नेचुरल ग्लास के नाम से जाना जाता है देखिए ये आपके सामने ऑफसीडियन की कुछ ग्लास रॉक्स दिख रही हैं अब इसको नेचुरल ग्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा ब्रिटल होता है इतना ज़्यादा चमकता है आपको एक्जैक्टली exactly मैं बताऊं ये देखिए ऑफसीडियन ग्लासेस ये देखिए इतना चिकना होता है इतना चिकना होता है ये चमक मार रहा है कि नहीं मारा, मार रहा बताइए कांच जैसी चमक मार रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इसको हम नेचुरल हाँ इसको नहीं आर पार तो नहीं दिखता है बट ये चमक बहुत ज़्यादा देता है इसलिए इसको हम ऑफसीडियन ग्लास बोलते हैं क्लियर हो गया तो ये मैं आपको कुछ रॉक्स भी दिखा रहा हूँ ये देखिए औफ, ऑफ रॉक्स देख लीजिए ओके कितनी ज़्यादा चिकनी है कितनी ज़्यादा प्यारी रॉक्स होती हैं ये देखिए डन तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं नेचुरल मिरर क्या बोलते नेचुरल ग्लास क्या बोलते हैं इसको हम नेचुरल ग्लास चलिए अगला देखते हैं फिफ्थ विच इज़ मेड फ्रॉम द मिनरल कैल्साइट एंड शी एनिमल सेल इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो जो है मिनरल कैल्साइट और सी एनिमल सेल से बनी हुई है तो इसका आंसर है फिफ्थ का लाइम स्टोन क्या नाम है लाइम स्टोन भाई लाइम स्टोन क्या होता है लाइम स्टोन जो होता है उसको हम बोलते हैं संगमरमर क्या बोलते हैं हां संगमरमर हाँ, संग तो जो संगमरमर हुआ करता है ये आपके सामने संगमरमर आई थिंक ये संगमरमर जैसा ही लग रहा है मेरे को बट थोड़ा सा टे कर लेते हैं लाइम स्टोन के बारे में तो विच इज़ मेड फ्रॉम द मिनरल कैल्साइट ये इसके अंदर कौन सा होता है कैल्साइट मिनरल कौन सा मिनरल होता है calcite. और कैल्साइड जो होता है ना उसमें कैल्शियम होता है क्या होता है कैल्शियम एंड सी एनिमल सेल और सी एनिमल सेल जो एनिमल सेल होते हैं उनमें कार्बोनेट होता है क्या होता है calcium. तो कैल्शियम और कार्बोनेट को मिला करके बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाता है calcium, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कहलाता है लाइमस्टोन मैं आपको लाइमस्टोन भी दिखाता हूँ देखिए ये ये आपके सामने लाइम स्टोन के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको ये आपके सामने जो पिक्चर्स बने हुए हैं ये लाइम स्टोन के पिक्चर हैं ठीक है ना ये चूने की खनानों में जो होता है लाइम स्टोन निकला करता है ये देखिए इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे डन क्लियर हो गया हुँ। हुँ। ओके डन तो क्या लिखा हमने सी लाइम स्टोन इज मेड फ्रॉम मिनरल कैल्साइट एंड सी एनिमल सेल्स चलिए सिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है ब्लैंक इज द लाइटेस्ट रॉक लाइटेस्ट रॉक कैन फ्लोट ऑन वाटर मतलब सबसे हल्की रॉक कौन सी है जो पानी के ऊपर भी तैर लेती है सबसे हल्की रॉक को बोलते हैं प्यूमिस क्या बोलते हैं प्यूमिस. प्यूमिस तो ये प्यूमिस जो होती है ये सबसे हल्की रॉक हुआ करती है जो पानी के ऊपर भी तैर लिया करती है ओके okay, ये देखिए ये जो आपके सामने रॉक बनी हुई है ना ये जो आपके सामने रॉक दिख रही है ये प्यूमिस रॉक है कौन सी रॉक है हाँ ये रॉक का एक बहुत फंक्शन होता है इस रॉक को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है ये देखिए कुछ रॉक्स हैं ये इस तरीके के इसमें पोर्स हुआ करते हैं इसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं और ये बड़े आराम से जो है प्यूमिस रॉक जो होते हैं पानी के ऊपर जो होते हैं ये तैर जाया करते हैं डन तो देखिए यहाँ पर प्यूमिस रॉक जो हैं ये फ्लोट कर रहे हैं बड़े आराम से है ना और ये रॉक देखो यहाँ पर ये रॉक जो है ये आराम से बड़े फ्लोट कर रहा है इस तरीके के रॉक्स हुआ करते हैं और ये पानी के ऊपर जो है तैरते रहते हैं ठीक है ना बड़ा ही आश्चर्य का विषय होता है कि ये रॉक पानी के ऊपर तैरा करते हैं सो दीज रॉक्स आर कॉल्ड प्यूमिस रॉक्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड वेन लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज जब, जब इससे लावा निकलता है ज्वालामुखी से और ज्वालामुखी से लावा निकल के जब ठंडा हो जाता है तो जो चट्टाने फॉर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय है. क्या बोलते हैं आग्नेय है। और इंग्लिश में बोलते हैं इग्नेयस क्या बोलते हैं इग्नेयस समझ गए ना तो इग्नेयस चट्टाने जो होती हैं जनरली ब्लैक कलर की होती हैं तो इग्नेस चट्टाने ज्वालामुखी के लावा निकलने से बनी होती हैं ये देखिए आपके सामने ये इग्नेयस रॉक दिख रही हैं और ये जो रॉक्स हैं ये लावा निकल करके जब ठंडा हो जाता है ना तो ये यहाँ पे बन जाती हैं ठीक है ना ये देखिए रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ये इग्नियस रॉक है ब्लैक की ये सेडिमेंट्री रॉक है और ये मेटामोमोर्फिक रॉक है ठीक है ना तो ये इग्नेस रॉक आपको दिखाई दे रही है चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं क्रॉस वर्ड पजल चैप्टर नंबर टेन द ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ ह्यूमन बॉडी और हेल्थ के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी और हेल्थ में क्या स्पेशल क्वेश्चन है, है यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है ये क्रॉसवर्ड पजल नंबर टेन है दोस्तों ओके okay? तो देखिए पहला क्वेश्चन है आर द ग्रुप ऑफ नर्व एंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टूमिली ओके आर द ग्रुप्स ऑफ नर्व तो इन ग्रुप्स ऑफ नर्व को क्या बोलते हैं रिस्पोंड नर्व एंडिंग्स दैट रिस्पोंड टू स्टूमिली समझ गए इनको हम क्या बोलते हैं तो इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स क्या बोलते हैं इनको हम रिसेप्टर्स बोला करते हैं अब ज़्यादा जानकारी बायो की इसकी जानकारी मैं बायो की क्लास में दूंगा आपको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्रॉसवर्ड पजल टेन का कि इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट छूने से एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है भाई बहुत ही कॉमन डिसीज है इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स क्या बोलते हैं इसको चिकन पॉक्स छोटी माता भी बोलते हैं इसको चेचक भी बोलते हैं हाँ यस तो इसे बोलते हैं गांव में छोटी माता बड़ी माता के नाम से बोलते हैं और इसे जाना जाता है चिकन पॉक्स के नाम ये देखिए ये चिकन पॉक्स हो गया है यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे बॉडी में जो होते हैं दाने पड़ जाते हैं छोटे 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 मुँह जगह हाँ फुंसियाँ ऐसी बड़ी बड़ी जब चिकन पॉक्स बड़ा हो जाता है तो इस तरीके से आ जाता है ओके और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है मतलब यदि आप घर में लोग इसको अगर एक दूसरे को छू देते हैं तो उनको फैलने लगता है इसलिए यदि चिकन पॉक्स होता है तो हमको लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए उनसे हमें दूर रहना चाहिए ठीक है ना तो ये जो है ये क्या है चिकन पॉक्स नाम की बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक तो नहीं कहेंगे आज के समय में इसका इलाज अब क्योर हो चुका है बट पहले बहुत खतरनाक मानी जाती थी बट अब आराम से ये क्योर हो जाती है इसको आराम से ठीक कर लेते हैं नहीं नहीं बस चिकन पॉक्स होता है फिर उसके निशान छूट जाते हैं तो इसको आजकल दवाइयों से ठीक कर लिया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जो हड्डियां होती हैं हड्डियां बोन्स आर हेल्ड टुगेदर दो हड्डियों को एक साथ जो है रखते हैं वोड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रोंग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बैंड ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट क्या बोलते हैं इसको हम लिगामेंट मतलब हड्डियों को जो जोड़े रखने का एक तरीके से काम करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं लिगामेंट्स ओके देखिए जैसे ये आपके घुटने की हड्डियाँ हैं अब यहाँ पर देखिए ये घुटने की मेन हड्डी है ये है ये है अब ये दोनों हड्डियों को जो जोड़े रखने का काम करते हैं देखिए यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया व्यू दिया है इस वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ देखिए इसमें ये जो किनारे जो हड्डियों को जोड़े रखने का काम करते हैं ओके ये देखिए इनको हम क्या बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं लिगामेंट या लिगमेंट बोलते हैं तो हड्डियों को जोड़े रखने का काम ये किया करते हैं क्लियर डाइग्राम आपको दिख रहा है ओके सो so, ये लिगमेंट कहलाते हैं डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लिगमेंट भी जान लिया हमने क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल हमारे शरीर में केवल एक ही बोन है जो कि मूव कर सकती है हमारे स्कल में स्कल यानी खोपड़ी वाले पार्ट में हमारी एक ही चीज है जो मूव कर सकती है उसे क्या बोलते हैं बताइए ये जबड़े क्या है जबड़े. जबड़े इनको हाँ और चिन चिन तो उसका नीचे का पार्ट है ये जो अंदर होते हैं इनको बोलते हैं जॉज क्या बोलते हैं जॉज जबड़े तो कौन सा जबड़ा हमारा मूव कर सकता अपर वाला कि लोअर वाला लोअर वाला लोअर वाला। बिल्कुल सही बात है तो हमारे पूरे स्कल में जो हाँ ऊपर हा, वाले बिल्कुल नहीं हिलते तो हमारे पूरे शरीर में जो मूवेबल बोन्स हैं जो मतलब चल पाने वाली हड्डियाँ हैं वो होती हैं कौन सी हैं मूवेबल कौन सी हैं लोअर जॉज जॉज कौन से जॉ लोअर लोअर जॉज अगला है टेंथ इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जम्स द डिसीज समझ गए ना तो एक इंसान के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से इंसान लड़ता है जम से या डिजीज से कीटाणुओं से लड़ पाता है बीमारियों से लड़ पाता है उसे बोलते हैं इम्यूनिटी क्या बोलते हैं आपने सुना होगा कभी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए है ना मैं च्यवनप्राश भी खाता हूँ जिससे हम लोग की इम्यूनिटी क्या रहे स्ट्रांग रहे क्या रहे हाँ उसमें लिखा रहता है इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनिटी बूस्टर मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है हम लोग अदरक की चाय पीते हैं तुलसी की चाय पीते हैं क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी क्या रहे स्ट्रॉग रहे अब डाउन सेगमेंट की बात करते हैं आइए डाउन में देखते हैं फॉलोइंग इज एन एव नॉर्मल कंडीशन ऑफ अवर बॉडी विच बॉडी फंक्शंस गेट डिस्टर्ब ओके तो कह रहा है कि फॉलोइ क्या होता है इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी बॉडी की एबनॉर्मल कंडीशन को क्या कहते हैं भाई बॉडी जब बिहेव तो उसको हम क्या बोलते हैं बीमार क्या बोलते हैं तो इलनेस कह सकते हो यहाँ पे क्या कह सकते हो इलनेस या फीवर भी कह सकते हो है ना तो इसमें तो इसमें जो इंसान होता है वो क्या होता है बीमार हो जाता है समझ गया ना? ना अगला है रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे और इसको कौन कंट्रोल करता है इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलते हैं इसको हाँ स्पाइनल कॉर्ड इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है ठीक ना एक मैं स्पाइनल कॉर्ड आपको दिखाई देता हूं क्या होता है तो ये जो पार्ट होता है ना बड़ा सा इसको आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड ये जो पार्ट होता है ना उसको क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड ओके तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम आपने देख लिया आप तो क्लियर है ना तो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है सो रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाई स्पाइनल कॉर्ड ओके चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फिगर वन इज अ रोड साइन फॉर हाँ ये जो है फिगर वन दिया है हाँ अच्छा ये स्पाइनल कॉर्ड में बताना भूल गया ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड होता है okay? ओके ये क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड ठीक है ना अगली बात करते हैं ये जो फिगर वन है one हाँ इसे बोलते हैं वन वे रोड बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं वन वे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये हो गया वन वे के बाद है देन uh, देन uh, इसके बाद यस दिस वन दिस दैट गिव्स सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी स्केलेटन एग्जैक्टली जो स्केल्टन होता है ये जो बना हुआ है कंकाल. ये कंकाल जो होता है सपोर्ट देता है ओके okay, शेप देता है बॉडी को क्लियर ना हाँ गिव सपोर्ट स्ट्रेंथ मजबूती एंड शेप टू द बॉडी अगर स्केल्टन नहीं होता हमारे अंदर तो हम गिर के एक जगह पे बैठ जाते नीचे धड़ धर धड़ा के है ना स्कैल्टन नहीं होता तो कैसे टिके रहते क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है? और जब आप पटाखों से या पटाखे जिस चीज से कुछ इंजर्ड हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बर्न हो गया आप जल गया समझ गए ना तो इसको हम बर्न होना बोलते हैं सो दिस वॉज शीट नंबर टेन क्रॉसवर्ड पजल टेन हमने कर ली है अब हम क्रॉसवर्ड पजल नाइन की तरफ चलते हैं नाइन का टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ तो देखिए यहाँ पे इंसान दिख रहा है इसके गले में बढ़ गया है तो इस रोग को हम लोग बोलते हैं गाइटर क्या बोलते हैं गाइटर ओके इसमें क्या होता है कुछ यहाँ पे जो ग्लैंड होती हैं वो बड़ी होकर बाहर निकल आती हैं शरीर के ओके ये आयोडीन की कमी से होता है किसे होता है आयोडीन की कमी से ये देखिए यहाँ पे ये तो बोन्स है स्केल्टन दिखाई दे रहा है इंसान का बट ये नीला नीला क्यों दिखाई दे रहा है डोंट नो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये देखिए ये आंखें हैं ओके ये ये जो अंदर है ब्लैक कलर का पार्ट इसको बोलते हैं पीपल क्या बोलते हैं ये पीपल, पीपल होता है ओके और ये इसके ऊपर भी ये देखिए इसकी छाती दिखाई दे रही है इनको रिप्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रिप्स पसलियाँ जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं रिप्स बोलते हैं ना ये देखिए ऐसी रिप्स होती है हमारे और इन रिप्स के अंदर सेफ रहता हार्ट क्या रहता है हार्ट इन रिप्स के अंदर रहा कथा हार्ट चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन करते हैं तो क्रॉसवर्ड पजल नंबर कौन सी है ये नाइन है ओके okay? हम्म चलिए देखिए बताइए आपको बताना है कि अक्रॉस में टू में रिप्स आर अटैच ओनली टू द बैकबोन बैकबोन बोन यानी रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी से जो रिप्स अटैच होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स जो पीछे की हड्डी से ब्लैक बोन से अटैच होती है उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स क्या बोलते हैं उनको हम फ्लोटिंग रिप्स हाँ यस तो उनको हम बोला करते हैं फ्लोटिंग रिप्स क्लियर हो गया ये देखिए ये पीछे की ये बैक बोन है ये क्या है बैकबोन है और यहाँ से देखिए ये जो हड्डियाँ हैं एक दो तीन चार और ये पाँच ये नीचे गई हुई हैं ठीक ना ये देखिए इतनी पार्ट जो है किससे अटैच है बैकबोन से बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जिसको छूता हूँ मैं तो आप ऐसे अजीब सी करते हो ना उसको क्या बोलते हैं बैक है। बोन हाँ पीछे जिसको आप मज़े में हड्डा भी बोलते हो यस yes, तो वो बैक बोन है क्या है वो बैक बोन उसे हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? अगर ये टूट जाती है तो इंसान कभी फिर खड़ा नहीं हो पाता है ना? बहुत मुश्किल होती है तो इसका हमको ख्याल रखना चाहिए रीढ़ की हड्डी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का नहीं नहीं झुकना झुकने में भी होती है नहीं भी झुकोगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर तो होती है अगला देखिए लैक ऑफ आयोडीन कॉज आपके आयोडीन कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है गायोटर क्या होता है जी ओ आई टी आर ई गायोटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है और गायोटर होने से ये देखो ये ये फूल जाता नुकसान है तो कुछ नहीं होता। नुकसान एक बाहर ग्लैंड निकल आती है एक बड़ा सा गले लटक जाता है उसको गायटर बोलते हैं फिर बहुत भारी हो जाता है हमारा गला क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए इज़ ए लॉन्ग बोन इन सेंटर ऑफ द चेस्ट विच होल्ड द रिप्स इन प्लेस ओके तो एक बन एक बड़ी सी सेंटर हमारे चेस्ट में बड़ी सी हड्डी होती है चेस्ट के सेंटर में छाती के बीचों बीच जो टाइट करके रखती है रिप्स को पसलियों को अपनी जगह रखती है उसको बोलते हैं स्टेरनम क्या बोलते हैं इसको हम हाँ इस्पेलिंग नोट कर लो एस टी ई आर एन यू एम स्टेरनम अगला अगला क्वेश्चन नाइन है नाइन क्वेश्चन है स्केल्टन वॉट स्केल्टन इंक्लूड्स ग्रिडल्स एंड लिम्स वॉट स्केल्टन इंक्लूड ग्रिडल्स एंड लिम्स ओके उसका नाम है अपेंडिकुलर इसका क्या नाम है अपेंडिकुलर ये बायो की क्लासेस में आपको बायो के मैडम बताएंगी कि अपेंडिकुलर क्या होता है तो अपेंडिकुलर स्केल्टन जो होता है वो ग्रिडल्स और लिम्स को अपने अंदर रखता है ओके okay, तो ये जो ये आपके पास जो स्केल्टन का हिस्सा है ये कहलाता है शायद अपेंडिकुलर क्या कहलाता है इसको आई बात समझ में ना <laughs> वो पूरा का पूरा अपेंडिकुलर कहलाता है ओके यस यस देखिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस देखिए अगला क्वेश्चन डाउन में देखते हैं ओके इज अ डिजीज कॉज बाय ह्यूमन ड्यू टू द बाइट्स ऑफ द इनफेक्टेड एनिमल इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से कौन सा डिजीज होता है बहुत ही कॉमन है रेबीज क्या बोलते हैं रेबीज कुत्ते भी काट देते हैं तो रेबीज होता है हमको इसलिए इंजेक्शन लगवाए जाते हैं रेबीज का इंजेक्शन ओके नेक्स्ट मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल ऐसी कौन सी मसल हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं इन वॉल मसल कौन सी मसल इन वॉल्यूएंट्री मसल है ना तो ऐसी मसल कहलाती हैं आई एन वी ओ एल यू एन टी ए आर वाई इन मसल जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती है फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट यस के के फर्स्ट में ऐसे काटने से लगता बिल्कुल रेबीज तो फिर ऐसे ऐसे वो पुट पुट देखिए रेबीज ऐसा कोई भी डॉग होता है लगभग मोस्टली डॉग जो होते हैं उनके अंदर रेबीज की बैक्टीरिया होती है हाँ अगर आप यदि आप डॉग पालते हैं और उनको अगर आप इंजेक्शन लगवाते रहते हैं तो कुछ के अंदर रेबीज के वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया नहीं होते हैं बट आपको यदि सड़क छाप कुत्ता काट लेगा तो आपको रेबीज होने के चांसेस पूरे पूरे हैं क्लियर हो गया भी हो है? वो रेबीज से ही डेथ होती है रेबीज के काटने से ही डेथ होती है जब रेबीज तो बहुत तो ज्यादा हाँ वो तो हमला करके बहुत ज्यादा छोटे बच्चे को मान लो मानसांस निकाल लिया वो एक अलग चीज होती है हम बड़ों को भी तो बहुत आक्रामक डॉग होते हैं अग्रेसिव डॉग होते हैं चलिए ये भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन फोर कौन सी नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल एंड ऑर्गन ऐसी कौन सी नर्व होती हैं जो मैसेज ले जाती हैं ओके okay, कहाँ से मैसेज जाती हैं फ्रॉम ब्रेन ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड जैसे आप सोचते हो मैं अपने हाथ को उठाना है तो आपका हाथ उठ जाता है पता क्योंकि आपका मन सोचता है और वो सिग्नल देता है तो उन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं उन नर्व्स को हम बोलते हैं मोटर नर्व्स क्या बोलते हैं हाँ तो इनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स वो मैसेज ले जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस इंजेक्शन इज टेक इन केस ऑफ कट्स इ टेकन इन केस ऑफ कट्स अगर कट लग जाता है तो ये इंजेक्शन लिया जाता Very common है वेरी कॉमन है टिटनेस का इंजेक्शन कौन सा इंजेक्शन है cut हाँ कट लोही वगैरह की कोई चीज अगर ब्लेड वगैरह कट जाए आपका हाथ है ना तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लेते हैं टी ई टी एन यू एस टिटनेस का इंजेक्शन बटर इज अ रिच सोर्स बताइए बटर में क्या होता है भाई साहब बटर में फैट होता है बहुत ज्यादा क्या होता है फैट oh, राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई आई का जो राउंड कलर्ड पार्ट होता है नो ब्लैक कलर जो होता है पीपल होता है उसके ऊपर जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आयरिस क्या बोलते हैं आयरिस ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं आयरिस तो ये कंप्लीट हो गया इसको हम आयरिस बोलते हैं आगे देखते हैं अगली जो शीट है उसका नाम है अवर सेफ्टी क्या है अवर सेफ्टी क्रॉसवर्ड पजल नंबर एट है आवर सेफ्टी तो आवर सेफ्टी में देखिए सबसे पहला है पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर थ्री देखिए क्या कह रहा है हाँ इंजेक्शन शुड बी टेकन स्नेक बाइट अगर सांप ने काटा है तो सांप से काटने के लिए बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है सांप के काटने के बाद जो बचने के लिए इंजेक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं एंटीवेनम क्या बोलते हैं एंटीवेनम वेनम का मतलब होता है जहर और एंटीवेनम का मतलब होता है जहर का काट जहर का तोड़ तो इसका नाम है एंटे वी एन ओ यू एम ओके हाँ तो इसका नाम है एनटीओय एन एन हो गया अगला रेड एंड वाटर फील्ड स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर और जिनमें पानी भरा होता है है ना उसको हम क्या बोलते हैं स्किन इन द केस ऑफ बंस जब जलता है कोई जल जाता है इंसान तो उसके फ्फोले पड़ जाते हैं हिंदी में उसको फपोले बोलते हैं क्या बोलते हैं फूल, है। फूल भी जाता है यस तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं उनको ब्लिस्टर्स क्या बोलते हैं ब्लिस्टर्स हाँ इसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं इनके अंदर पानी भरा होता है और बच्चे क्या करते हैं इनको फोड़ भी देते हैं तो उसके अंदर का पानी लग जा बाहर निकल जाता है फिर ये बहुत ज़ोरों का दर्द देता है ओके हुँ. हाँ तो ये जलने पे ऐसा बनता है अभी कोई मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन न हॉस्पिटल्स वगैरह में जो जले हुए मरीज जाते हैं वो होता है बट ये बहुत बहुत ज़्यादा दर्द देता है इसलिए मैं सोचने में भी डरता हूँ किसी को नहीं होना चाहिए ओके okay. नेक्स्ट है देखिए इधर सॉल्व करते हैं फायर कॉस्ड बाई फ्लेमेबल लिक्विड कैन बी इंटिक्विड डिस्टिंग्विस्ड बाई फ्लेमेबल लिक्विड यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेट्रोल से आग लग गई है कैरोसिन से आग लग गई है उसको आप पानी से नहीं बुझा पाएंगे उसको बुझाने के लिए आपको रेत डालना पड़ेगा यानी कि यहाँ पे आएगा सैंड क्या वो, आएगा एग्जैक्टली exactly. सेंड आपको यहाँ पे आएगा क्योंकि रेत जो होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए ओके क्वेश्चन नंबर टू देखिए स्पेशल डिवाइसेस यूज फॉर पुटिंग आउट फायर पुट आउट मतलब बंद करना खत्म करना बुझाना फायर को फायर एग्जैक्टली फायर एक्सटिंग्विशर्स ओके क्या बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स फायर एक्सटिंगस ई एक्स आई टी एग्जिट एग्जिट हा इंगशर्स आई एन जी यू आई एस ई आर फायर एक्सटिंगशर ओके डन चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला एट नंबर पे आइए देखिए इज़ अ क्रैक इन द बोन भाई हड्डी में क्रैक होने को क्या बोलते हैं बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर क्या हो गया फ्रैक्चर हो गया है ना हड्डी में क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करते हैं इज अ टाइट बैंडेज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड जो बहुत ज़्यादा खून निकलता है तो लोग टाइट बांध देते हैं ना बैंडेज को उसको क्या बोलते हैं बताइए हाँ तो उसको बोलते हैं हम ये देखिए ये जो बांध दिया गया इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं है, इसकी स्पेलिंग होती है इसको बोलते हैं टॉर्निक्वेट क्या बोलते हैं इसको हाँ टी ओ यू आर एन आई क्यू ई ई टी ये टूर्निकेट होता है डन देन, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट शुड नॉट बी यूज्ड टू पुट ऑफ फायर कॉज्ड बाय ऑयल तेल से लगने वाली आग में क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए करेक्ट आंसर है वाटर, वाटर। क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि तेल से लगी हुई आग कभी पानी से बुझती नहीं है ठीक है ना अगला क्वेश्चन गिव सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन पार्ट एंड अवॉइड एनी मूवमेंट ये देखो भाई आपके हाथों को सपोर्ट दे रहा है इसको क्या बोलते हैं जो लगा हुआ है ये जो लगा हुआ है है ना रोल रोल करके देख रहे हैं डंडे जैसा इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं है, स्प्लिंट क्या बोलते हैं एस पी एल आई एन टी तो इसको हम स्प्लिंट बोला करते हैं है ना दिस इज कॉल्ड स्प्लिंट, स्प्लिंट। ओके okay, अगला है एन इंजरी ड्यू टू द ट्विस्टिंग ऑफ टेरिंग ऑफ द लिगामेंट इज़ कॉल्ड है ना जैसे कि मान लो कि किसी का हाथ वगैरह मुड़ जाता है तो हाथ वगैरह मुड़ जाने से जो आती है इस जैसे कि तुम कई बार कहते हो ना कि मेरी मेरी कमर बहुत दर्द दे रही है हाँ। या कई बार ओ मेरा दौड़ते 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 तुम्हारा पैर मुड़ गया ओके हाँ, हाँ, तो पैर मुड़ जाने से जो इस जो आती है प्रॉब्लम है ना उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्प्रेन क्या बोलते हैं एस पी आर ए आई एन एस पी आर ए आई एन स्प्रेन हो गया हाँ जैसे यहाँ पे गले में आ जाता है स्प्रेन आ गया स्प्रेन आ गया है ना अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इनिशियल केयर गिवन टू द पेशेंट बिफोर द अराइवल ऑफ द मेडिकल हेल्प मेडिकल हेल्प के आने के पहले उसको जो केयर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट एड क्या बोलते हैं फर्स्ट एड और इस, इस स्कूलों में देखा होगा अपने फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है यस सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स अब देखिए देखते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्रॉसवर्ड पजल नंबर सेवन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जानेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में सो देखते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में क्या है रेड फ्ली स्प्रेड्स रेड रेड फ्ली स्प्रेड्स भाई रेड का जो फ्ली होता है ओके okay, वो क्या स्प्रेड करता है कौन सा डिजीज स्प्रेड करता है प्लेग समझ गए ये एक बीमारी होती है प्लेग तो रेड का जो फ्ली होता है वो प्लेग स्टेज करता है वट नेक्स्ट वट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग अगर आप फिजिकल और मेंटल मानसिक और शारीरिक उससे अच्छे हैं तो इसको क्या बोलते हैं यू आर हेल्दी क्या बोलते हैं हेल्दी सो हेल्थ इज अ स्टेट हेल्थ इज अ स्टेट हेल्थ बताती है कि आप फिजिकल और मेंटल कैसे हैं क्लियर हुआ uh. तो हेल्थ इज की स्टेट होती है हालत होती है जो बताती है आप कैसे हैं पोटैटो इज रिच सोर्स ऑफ सो सिंपल भाई पोटैटो में क्या होता है ठूस ठूस के कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है uh. हाँ और कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है तो जब भी आप पोटैटो खाते हैं तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है है हाँ, ना हाँ फैट भी एनर्जी भी अगला देखिए नेक्स्ट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट है इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू एयर भाई कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एयर के थ्रू फैलता है ओके बताइए जी कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एयर के थ्रू फैलता है यस yes, इसका नाम है नोनो no, कोरोना no. तो है ही बट कोरोना तो एक फैला वाकई बात है और इसके बाद एक डिजीज होता है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा क्या नाम है जी हाँ इन्फ्लुएंजा जो डिजीज होता है ये हवा के थ्रू फैलता है नेक्स्ट वॉट हेल्प इन मेकिंग मसल्स ब्लड एंड स्किन कौन है जो हम हमारी मसल्स बनाने में हेल्प करता है ब्लड बनाने में स्किन बनाने में दैट इज़ प्रोटीन दैट इज़ इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है इससे हमारी नई मसल्स बनती हैं शरीर का निर्माण होता है ब्लड पैदा होता है और नई नई स्किन्स भी बनती हैं इसलिए कार्बो हाँ कार्बोहाइड्रेट तो हमारी एनर्जी की डिमांड को पूरा करता है बट हमारी ब्लड और मसल्स कौन बनाता है प्रोटीन सो so, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए हमें दूध ओके पनीर इन सब चीजों को हमें खाना चाहिए को, को करता स्ट्रॉन्ग करता है चलिए नेक्स्ट देखिए टेंथ है वट इज कॉस्ड बाई डेफिशियंसी इन आयरन आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दैट इज कॉल्ड एनीमिया क्या होता है एनीमिया ओके एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की डेफिशियंसी से होता है चलिए अगला क्वेश्चन है no. डाउन में जाते हैं वट इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड प्लांट फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट क्या कहलाता है जो डाइजेस्टेड नहीं होता है अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट इज कॉल्ड रफेज क्या बोलते हैं उसको हम यस oh, really? yes. तो प्लांट फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको हम रफेज बोलते हैं यस लैक ऑफ क्या लैक ऑफ वीकनेस बोन्स एंड टीथ दांत और हड्डियों को कमजोर कर देता है किस चीज़ की कमी कैल्शियम किस चीज़ की कमी कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन फूड कंटेन सब्सटेंसेस एसेंशियल टू आवर बॉडी आर कॉल्ड ऐसे कंस कंस्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं जिनको फूड रखता है उनको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या बोलते हैं हाँ तो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उनको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रियट्स और ये फूड रखता है कौन रखता है hmm. तो खाने के अंदर क्या पाया जाता है न्यूट्रिय्स क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट प्रवेंट डिजीज एंड रेजिस इम्यूनिटी कौन हमें डिजीज से प्रिवेंट करता है आंसर वैक्सीन कौन वैक्सीन यानी कि जो इंजेक्शन हमें लगते हैं वैक्सीन के दवाइयों के वो हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ये देखो इसे क्या हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया इसे क्या हो चुका है हाँ ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है इसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं ठीक है ना <coughs> क्लियर हो गया यस yes, ये रेड फ्लाई है ओके ये रेड फ्ली है और ये हेल्दी है एकदम ओके ये पोटैटो है पोटैटो के अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट देखिए अगला सिस्टम है नर्वस सिस्टम ये थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है नर्वस सिस्टम ओके सो so, इसको मैं अभी छोड़ता हूँ नर्वस सिस्टम किसी दिन बिल्कुल एक्टिव माइंड होगा तब हम लोग पढ़ेंगे जिस दिन हमारा माइंड क्या होगा एकदम एक्टिव है ना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं देन इसके बाद क्या है बोन्स एंड मसल्स बोन्स एंड मसल्स इसमें हड्डियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं ओके देन एनिमल लाइफ है एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल हुआ करते हैं ओके ओके एनिमल के बारे में पढ़ेंगे फिर इसके बाद पहले देखें हम कौन कौन सी हैं एडाप्टेशन ऑफ एनिमल भाई ये भी बड़ी मुश्किल बात है एडाप्टेशन मतलब कि किस तरीके से जो चीज़ें होती हैं जो एनिमल्स होते हैं वो अपने रहने के लिए अब अप एक अपनी जगह को के अनुसार ढल जाते हैं अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं ये इसके बाद है प्लांट कौन से प्लांट कहाँ पे होते हैं ओके प्लांट लाइफ हो गई है एंड देन है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स चलिए तो आज के लिए इतना ही अब पांच चैप्टर्स बचे हुए हैं इनको हम आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन विद युवराज बैच हैव ए नाइस डे बाय जय हिंद जय भारत